संजय भाई एक अरे गौरव भाई रुक जाए यार रायपुर के ही रहने वाले हो। रायपुर कब से हो? 10 साल 15 साल शुरू से रायपुर के ही हुए फिर
कहाँ तक पढ़े हो? 12th पास हो। एक महीने से काम कर रहे हो? ये आपके पहले क्या काम करते थे? इसके पहले मैं कंपनी में था। कौन सी कंपनी में? प्रगति स्टील। कब छोड़े हो कंपनी को? कोई गांव नहीं गए हो, कंपनी छोड़ के इसी काम में लगे हो गए। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या तुम? नहीं, तो कंपनी काम में खाली कैसे बैठोगे तुम? क्यों छोड़े हो कंपनी को? यहाँ से ना मम्मी लोग भी बोले थे गांव चलने के लिए, गांव में थे। महाराज फोन का लोकेशन निकालूंगा, गांव में नहीं मिला ना तो तुमको मैं दूसरे केस में बंद कर दूंगा, ठीक है? सच बोलना है तो सच बोलो, झूठ मत बोलो, मुझे जो बताना है सही बताओ। नहीं भैया, मतलब मैं एक आज भोपाल ही है ना, एक मंथ से ही था भैया, मतलब 5 तारीख से। उसके पहले कहाँ थे? उसके पहले भैया मैं रायपुर में था बीच में, उसके पहले फिर गांव में था भैया। तो रायपुर में घर में ही थे तुम? जी। तो घर पता करूँ तो मैं आपका, लोग बोलेंगे तुम नहीं थे घर में, और मोबाइल लोकेशन नहीं आएगा, तो यहाँ का लोकेशन आएगा उसी केस बंद कर दूंगा मैं, बड़े केस पर, ठीक है ना? घर में पहुँच के बता दूँ? नहीं भैया जी, घर में था, उसके पहले फिर बिहार में था। बिहार में कब से कहा? बिहार में कहा थे? बिहार में पटना था। तरफ नहीं, कौन जिले में थे? गया जिला। गया जिला, रहने वाले कहाँ के हो? गया जिला। तुमको अचानक उसको फोन किया और तुम इस काम में लग गए, तो वहाँ तुम गए तो वहाँ पहले भी कितने लोग थे? पहले भी मतलब एक दो लोग था, एक काम नहीं था भैया। फिर मैं मतलब घर आया गया ना, फिर ये सब काम को मेरे पता नहीं था, मैं रायपुर आया। अरे भोपाल गए तुम, वहाँ पहले से काम चल रहा था क्या? ये नहीं किया, नहीं चल रहा, तुम ही जाके शुरू किए ना फिर? मतलब फिर मैं रायपुर आया थी ना, जगबीर किया वो लोग ना, उन लोग काम किए थे। अभेश भाई जाने के बाद भोपाल में चालू हुआ कि पहले से चालू था? मतलब हम लोग गए ना भैया, तो 2-3 दिन तक काम चालू नहीं था। हाँ तुम ही लोग जाके चालू किए हो, तो बोल रहा हूँ मैं, खुद चालू किए हो तुम लोग? हम लोग चालू। और ये लैपटॉप से कौन खरीदा है? लैपटॉप वैपटॉप सब पहले से था। कौन दिया खरीद के? दीपू मतलब मेरे को जानते थे, गांव जाता था। कौन दीपू? दीपू नाम है उनका, बिहार के ही है, वो मेरे को जानते थे, उनको बहुत पहले से जानता था, जब भी गांव जाता था मिलता था। तो एक दिन फोन लगा, तो मैं बोले काम हम करोगे? मैं बोला क्या काम है? पूछा ट्रांसपोर्ट लाइन का काम है। अभी जो जसवीर का नाम ले रहे थे, अब डिपू का नाम नहीं, तो वो मेरा वो मतलब मेरा नंबर ना सर वो जसवीर को दिए, तो जसवीर के टिकट वगैरह बनाए थे। टिकट किसी का बनाया? ट्रेन का। कौन सी ट्रेन से गए? शाम का ट्रेन था। जसवीर जसवीर टिकट कैसे दिया? फोन पे भेजा। जसवीर का नंबर ले रहे हैं, ठीक है, पता लगाना है जसवीर कौन। जसवीर को एड्रेस वोटर जानते हो तो? फोन नंबर जानते हो भाई जिससे बात करता होगा वो? फोन नंबर मेरी ऑफिस से मेरे को टिकट मिला था सर ना। फोन बात तो हुई है तुमसे? यही से ऑफिस से ही फोन लगाते थे ना। फोन ऑफिस से फोन होगा सर, कैसे एक फोन होगा उसमें उसका बहुत बदमाश हो तुम, सबसे रिहायती बदमाश तुम ही हो। इतने लोग जो आए हैं मेरे पास अभी तक, कॉलों को पकड़ चुका हूँ मैं, बदमाश तुम ही हो। तुम्हारा अलग से इलाज करूंगा मैं, चिंता मत करो। वो पता है डॉक्टर हूँ, पता है कि नहीं पता? पता है नहीं पता है? जितने ढीठ लोग हैं उन सबका इलाज करता हूँ मैं, और 100% फटिया इलाज है मेरा। जिसका इलाज किया वो ठीक हो गया है बिल्कुल, उसका दिमाग भी तेज हो गया है, दिमाग अच्छा काम करता है। तुमको भी दिमाग का इलाज कराना है कि ऐसे दिमाग काम कर रहा है? हाँ अब उधर जाओ, सोचो सबकी सही सही सिचुएशन हो रहा है। तुम कौन हो? सुभन साहू। कहाँ के रहने वाले हो? बिलासपुर में रहने लगे भोपाल को? ट्रेन का है। कब पहुंचे भोपाल को? सर मैं 13 तारीख। कैसा लगा काम?
कहाँ तक पढ़े थे ऐसा? वहाँ कौन मालिक कौन था, संभालता था पूरा? सर मुकेश को था, मुकेश करके था। वो कहाँ का रहने वाला था? पता नहीं सर, जब किया तो सब थे लड़के, जो पहले से थे भैया लोग, तो वो करते थे मुकेश भी आ रहे थे, फिर चल दिए दो दिन बाद। दोबारा छुट्टी के बाद यही काम करना है, नहीं करना है? चलो क्या नाम है तुम्हारा? रोहित साहू। कैसे भर्ती हुए? मैं भाग के जाने वाला हूँ। कहाँ पे जाएंगे? तुम कैसे भर्ती हुए? मैं 12 तारीख 11 तारीख को पप्पू को कॉल लगाया था, काम मत बताना, तो बोले कि काम है आगे पास। मैं उसके यहाँ 12 तारीख को मेरा टिकट हुआ, और 12 तारीख को गया वहाँ। टिकट कौन दिया? पप्पू करवाया था। कौन? पप्पू करवाया था। पप्पू कौन? बदमाश उधर होता था। तुम टिकट क्यों कटाया इसका? जसवीर भैया करवाया थे भैया। पप्पू हो रही कहाँ नाम मेरा? नहीं तो मतलब टिकट मतलब मैं मेरे से बात की है, जसवीर भैया सब करते थे तो पहले से थे भैया हो ना, जसवीर भैया से जो थे ना वो पहले से थे। तो तुम इसका टिकट कैसे कटाया? जब ये बोला अपना टाइम काम मतलब ये वाला चालू नहीं था ना, तो वो बोला कि जसवीर भैया लड़के हैं तो ये फोन कर रहा था। मैं जब इधर से चले गया रायपुर से, रायपुर में तो ये जब ये तुम ये टिकट कटाया तो ये भोपाल में था उस टाइम कि यहाँ पर था? नहीं उसके दो दिन बाद आया था, ये दो दिन बाद भोपाल आया था। साथ में गए तुमको? नहीं साथ में मैं गया था। ये पहले पहुँचा हुआ था वहाँ पे? ये दो दिन बाद मतलब टिकट जब मैं ना 12 तारीख को, 12 तारीख वहाँ पहुँचा और इसके फिर एक दो दिन बाद उसको देखा था। तुम कब पहुँचे हो? मैं सर मैं पहले एक बार गया था ना। पहले कब गए थे? 5 तारीख को। और फिर क्या हुआ? फिर मैं मतलब आ गया रायपुर तुरंत। क्यों वापस आ गए? ये हाथ में चोट लगा था सर। ये चोट तो ठीक हो जाएगा एक हफ्ते में, किसको बेवकूफ बना रहे हो? ऑपरेशन हुआ सर। ऑपरेशन कराया? कहाँ ऑपरेशन कराया? तो मतलब एक सरे यहाँ करवाया था सर, तो लेने आया था, तो उतना टाइम ना हल्का सूजन था। फिर ऑपरेशन कहाँ कराए? ऑपरेशन भोपाल में कराया। कौन से हॉस्पिटल? जानकी हॉस्पिटल। कितना लगा इसमें? 8000। कौन दिया? ये सर मतलब मैं मम्मी से मंगा था सर, इसको मैं कैश रखा था। पैसा कैश लेके गए थे? मम्मी को क्या बोल के ले गए थे पैसा? मैं मम्मी कुछ बाहर जा रहे थे, मैं बोला कि अब काम जैसे ही होगा मतलब 2-3 महीना। मैं भैया से पूछा था, भैया छुट्टी कब कब मिलेगा? तो छुट्टी नहीं मिलता है 2-3 महीना पे, एक हफ्ता 6 दिन के लिए जाते हैं, उसी बताया था मम्मी को। चलो चलो फिर काम के लिए आ गया। तुम कब भर्ती हुए? 1.5 महीने पुराने हो तुम। आप गए थे तो काम शुरू हो गया था? नहीं ये तो बता रहे शुरू नहीं हुआ था, तुम बता रहे हो नहीं शुरू दूसरी जगह के। हाँ तुम कौन से ब्रांच के हो? चलाते हैं तुम ही मैंने यार, और समझ गया देख के ही तुम बदमाश दिखते हो, जो पहले समझ में आ गया। हाँ तो तुमको ये ब्रांच खोलने का फाउंडर मेंबर बनने का कैसे याद आया? नहीं मुकेश के थ्रू गए थे सर, वो बोले काम में करके चलो। मुकेश कौन है? रामनगर में रहता है सर, दोस्त सर। रामनगर में रहता है? रामनगर में कहाँ रहता है? वो सरकारी स्कूल है ना मुक्ति धाम। पकड़ना है कौन है मुकेश, ठीक है कार्रवाई करना उसको। मुकेश और कितने पैदल चलाता है? अभी तो वही भी दो चल रहे थे उसके। दो तो वही चल रहे थे, और भी चल रहे होंगे ना यार? और नहीं पता था सर, दो में वही काम करते थे 1.5 महीने हुआ। 1.5 महीने हुए। मुकेश से क्या बात है तुम्हारी? दोस्त है सर, मतलब दोस्त है, बहुत पहले का दोस्त है। तुम्हारे से कितने लोगों को बर्बाद किया है उसने? सर मेरे जाने से पहले और भी वहाँ बहुत पहले से लड़के लोग थे, फिर कुछ गए फिर नए आए। कुछ लोग छोड़ भी चले जाते हैं, तो पोस्टिंग कर देते हैं कहीं और? नहीं पता सर, उनके छोड़ देते हैं कहीं और चल जाते हैं, जैसे रहता होगा सीख के कहीं और चल जाते हैं। ट्रांसफर होता है सब पता है तुमको, तुम होते हो ऐसी हो बेवकूफ आदमी है सर, जो कहानियां सुना रहे हो मुझे। कितने लोगों को भर्ती किए तुम? मैं इसको बंद करने के लिए। घर में क्या बता के गए? फ्लिपकार्ट में करते हो? फ्लिपकार्ट को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। कितना मिलता था महीने का?
20,000। क्या काम करते थे वहाँ? डिपॉजिट करते थे। दिन भर में कितना डिपॉजिट करते थे? सर छोटा बुक था, कुछ ज्यादा नहीं। छोटा नहीं, मैं ट्रिपल भी करते सर, छोटा बुक। नहीं आप शुरू खोले हो तुम ट्रिपल? नहीं हम नहीं खोले सर, मतलब चलाते थे। चलाते हो तुम्हें, चलाते हो ना यार। किसका है ये ट्रिपल भी? सर आनंद करके कोई ऊपर है। ऊपर का मतलब ये भगवान से जुड़ा है सर, मतलब अकाउंट ग्रुप नहीं पाते तो मैंने कभी सकल नहीं देखे उनका। मैं तो अपने साथ हूँ, कैसी था मैनेजर जो ये भी यही का रहने वाला है क्या आनंद भी? नहीं नहीं बाहर करता। बाहर मतलब अकाउंट डिटेल वही का होगा सर, क्योंकि अकाउंट ग्रुप में ही मैसेज में बात कर दी। वही मैंने के वो ज्यादा हट्टी कर दी। चलो पीछे हो जाओ। और तुम्हारा नाम क्या है? हाँ अक्षय। कहाँ के रहने वाले हो? क्या कब भर्ती हुए? कितने घंटे भर्ती किया? कितने भर्ती किसका? क्या बोला? तुम बहुत तेज बोल रहे हो। किसको? तुमको मेरा इलाज पता ही नहीं है। पूरा दिमाग तेज चलने लग गया, फिर याद आएगा दो फर्क है, बचपन से याद आ जाएगा 6 महीने फिर हर चीज ठीक है। पूछ रहा हूँ भाई जवाब दो, किसका फोन आया तुम्हें? तुम्हारा तो ऐसा केस तो बात नहीं होगी ठीक है, मुझे लेना बहुत जरूरी है। बाकी सब समझदार है, सही तो बता रहे हैं। कितने भर्ती किया तुम्हें? ठीक है रॉन्ग नंबर से फोन आया। फिर क्या हुआ? झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ एसपी है। फिर क्या हुआ? रॉन्ग नंबर का फोन आया, उसने टिकट कटा दिया, तुम मुझे बैठ के चले गए। फिल्मी कहानी मुझे सुना रहे हो? फिल्मी कहानी भी इससे अच्छा बनाते हैं। कोई रॉन्ग नंबर से फोन आएगा और टिकट कटा देगा, बाद बैठ जाएगा टिकट पे। इम्पोर्टेंट ले जाओ, बाद में बात करूंगा। कहाँ के रहने वाले हो तुम? इसके घर वालों को बुलाना ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? मुंगेली के रहने वाले हो? मुंगेली से कैसे भर्ती हो गए वहाँ? जोर से बोलो ना। पप्पू पप्पू भर्ती की, पप्पू की इतनी पकड़ है कि मुंगेली पे पकड़ है। इधर बार बार तुम मुंगेली में से दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? पहले रायपुर में। कहाँ पे? इसके साथ ही काम करते थे पहले, मतलब ऐसे ही कैसे मुलाकात हो जाएगी? ऐसे ही रितारा रायपुर है? नहीं नहीं सर, मतलब काम करते थे ना यही मोहल्ले में। तो इसने क्या फोन पे बताया तुम्हें? फोन करते नहीं सर, मतलब बात हुआ क्या फोन पे? क्या सामने सामने बात हुआ रायपुर में? मैं बोला था काम हो गया। क्या बताया तुम्हें? ट्रांसपोर्ट का काम है। कब गए तुम? साथ में गए पहले ये गए पहले तुम गए? लेकिन बाद में तो मतलब पहले भी नहीं पता था जो दोबारा गए थे ना। हाँ कैसे गए थे? ट्रेन पे? उसी ट्रेन से शाम को। बहुत लोगों पर बात की हो तुम? नहीं भी एक ही साथ गए थे भी, हम लोग चार थे मैं भैया। कितना पढ़ाई किया हो तुम? चलो कहाँ नाम क्या है? निकाल देते जान देखो। कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर। रामनगर के? रामनगर का वो तो मुकेश को रामनगर का ही है। वही बोला था सर, लड़के की जरूरत था। जानते हो क्या मुकेश को? मोहल्ले में पर मोहल्ले में रहता है ना, कोई पहचान करवाना है ठीक है। इतने लोगों को बर्बाद किया मुकेश ने। क्या बोला मुकेश? लड़के की जरूरत है। उनका क्या काम है करके? कंप्यूटर ऑफर करके। अभी 15 दिन हुआ था सर, मेरे को वापस टिकट के लिए बोला तो अपने ही गायब हो गए। दो दिन पहले को भी आइडिया हो गया होगा पूरी खाने वाली, तुम लोगों को बताया भी नहीं, खुद फरार हो गया। ऐसा ही हुआ ना, मास्टर माइंड लोग भाग खड़े होते हैं, तुम लोग को फंसा देते हैं गाजर मूली की तरह। वो पकड़वाना है ठीक है, तुम्हारे से दूसरे लोगों को बर्बाद करेंगे वो। चलो पीछे। क्या नाम है? सलमान सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले हो?
सारे कैसे भर्ती हुए? सर मुकेश। मुकेश मुकेश का पॉपुलर है क्या, देता है क्या वो, सब कुछ जानता है वो, शायद महाराष्ट्र में। हाँ भाव भाव बोलते हैं, क्या काम करते हैं भाव? नहीं वही वही थे वो भी जब मैं गया था वो तो समझ गया, वो तो इधर ये काम तो करते ही हैं, और क्या काम करते हैं वो भाव? नहीं और तो उनका कुछ नहीं, जब से पता फ्रेंडशिप थी तब से यही चल। क्या उम्र है उसकी? उसकी होगी वही 27-28। 27-28 वो और भी कहीं कहीं काम चला रहा है? वही चला रहा है। तुम्हें नौकरी के लिए हुआ तो भोपाल ही बोला, कहीं और ही बोला, वहाँ भी जा सकते हो? नहीं भोपाल, भोपाल का तुम्हें बताया तो वहाँ दो पैनल चलता था जहाँ हम लोग थे वहीं पे उसी घर में दो पैनल। तो तुम आए तो आने के बाद कुछ तो छुट्टी वापस भी गए, कुछ नए भी आए कि इतने लोग जो थे वही चल रहे थे? सर मैं यहाँ से गया था 5 तारीख को, निकला था समता एक्सप्रेस में शाम को 6 को पहुँचा और फिर मैं 6 तारीख को ही सीधा वही वाले घर में गया। काम नहीं करते? नहीं ऑलरेडी कर रहे थे मैं 7 तारीख। वो घर का लोकेशन कैसे मिला तुम्हें? वो सर मैसेज किए थे ना, हाँ ये एरिया है करके व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर लेना उसका मुकेश जी। ठीक है फोटो काटना है, चलो थैंक यू। अनिल लांबा कहाँ के रहने वाले? रामनगर के थोड़ा सा आगे से। तुम भी तो कौन भर्ती किया? मुकेश पूरा पैनल नियुक्ति का है। मुकेश क्या बोल के भर्ती किया? सर काम है करके, लड़के लोग की जरूरत है करके बुलाया सर, तो हम पूछे क्या काम है तो बोले कंप्यूटर चलाने में, बोले कंप्यूटर तो चलाने नहीं आता है, तो बोले और भी काम है आ जाओ करके, तो चले गए। रिक्रूटमेंट हर चल आता है तुम्हें कैसे मिला हो? वो सर वही रामनगर में रहता है सर। घर देखे हो? नहीं घर नहीं देखे सर, घूमने उमने जाते थे ना सर, वहीं खड़े रहता था छोटा। अच्छा जैसे लोग दाना डाल के पकड़ते हैं ना पक्षी को, कबूतर को, अच्छा कबूतर बना दिया उसने तुम लोगों को दाने के चक्कर में, बताओ तुम लोगों को अपराधी बना दिया उसने। अच्छा लग रहा है इतना भीड़ में सब मीडिया वाले फोटो वीडियो बना रहे, अच्छा लग रहा है क्या? घर में कौन कौन है तुम्हारे? छोटी गुड़िया है सब है, देखेंगे फेसबुक पर, अच्छा लगेगा क्या उन लोगों को? शर्मिंदगी नहीं होगी उन लोगों को थोड़ी? हाँ चलो बालो से हो, हर जिले से लोग जा रहे हैं भाई, तुम्हें कैसे मालूम चला भर्ती हो रहा है? मुकेश पुलवानी तो नाम पूरा जानते हो उसका, भिलाई वाला। कहाँ मिला तुम्हें? आईटीआई किया था मैं। आईटीआई किए हो? कैसे बनाया घर जानते हो उसका मुकेश का? तुम दोस्ती हो बता रहे हो? फोन नंबर है तुम्हारे पास उसका? सारे फोन नंबर चेक करो। चलो कहाँ के रहने वाले हो? उसके बाद फिर एक दिन मेरे को फोन किया, सुनिए क्या करें, मैं बोला गाड़ी चला रहा हूँ कुछ काम करेगा, क्या काम करना बताओ बोलो उसको, तो फिर रखा करके फिर वो बताया ऐसा ऐसा करना है करके, तो फिर मैं बोला ठीक है करके, फिर गया सर, फिर मेरे को एक पहला भी हुआ था, फिर आप लोग सर फिर आप दिल्ली में जब रह भी किए थे सर, तब मैं बोला मेरे को घर जाना है, तुम लोग तो नहीं जानता तुम लोग सबसे, तो फिर बोला ठीक है बाहर हो फिर तुम घर चले जाना बोला। वो दिल्ली का रेट कैसे मालूम चला? सर यूट्यूब में आपको डालते सर मैं देखते हैं तुमको कौन भर्ती किया? मैं सर फेसबुक में ना जॉब एप्लीकेशन डाला था, तो सारा गवर्नमेंट आता है और विक्रम में जो सामने से आया था व्हाट्सएप से कोई सुनवाई कर देता मतलब पीछे लोग कर रहे हैं ऐसा रिक्वायरमेंट है रिज्यूम पीछे देखा रिज्यूम फिर वो आधार कार्ड
टाटा के रहने वाले? अरे यार इतनी दूर जमशेदपुर से आए हो, तुम काम करना है पता है, फिर जयपुर आए, फिर जयपुर से परिवार में कौन कौन है बताओ, कितना पढ़े हो घर में सब देखेंगे ऐसे टीवी मीडिया में, तो अच्छा लगे, आगे से नहीं करना ठीक है, आगे से करो तो बड़ी कार्रवाई कर दूंगा। चलो तुम कहाँ के हो? तुम्हें कौन भर्ती किया है? ये लव किस कहाँ है? अरे यहीं पे है लव की। एक दो महीना हो गया होगा सूखे लिए, फिर मैं उसको मिला तो बोला यहाँ कहाँ है, बोला ठीक है चलूँगा। कब गए? 12-13 दिन में गए। 12-13 काम कैसा लगा? 12 घंटा कितने बजे गए सर? 11 से 11 सुबह 11 से रात 11 फुल टाइम लगे रहना है तो। काम अच्छा था खराब लगा? क्या खराब था? चल बुजुर्ग तुम ही लग रहे हो डोकरा, तुम कैसे चले गए वहाँ बच्चों के साथ? बच्चों का गेम है तो कहा तुम? तो तुमको कौन भर्ती किया है? सबको लेके जा रहे हैं, चाय दुकान वाले को, कैफे वाले को, ड्राइवर को, मतलब किसी को नहीं छोड़ रहे। चाय जाते क्या काम शुरू कर दिए? तुम क्या काम करते थे वहाँ पे? चाय थे आता है कंप्यूटर लैपटॉप ढावा में कहा लैपटॉप यूज करके जा सकते? पहले ही बी कॉम कम्प्लीट है, उम्र ज्यादा होगी लग रहा है। कितनी उम्र है? यंग हो यार, दुगड़ा हो जाएगा फिर तो डोगा हो जाएगा। नाम सर श्रीकांत है। लोग नाम क्या? तो आते के हो ना पीठ हो तेरी बात क्या हो? क्या नाम है? रोशन को गांजा लेने वाले लगते हैं, गांजा लेते हो क्या? वैसे मेरा गलत नहीं होता है ऐसा प्रेडिक्शन, तो सही होगा तो मान नहीं रहे हो अलग बात। मैं दूर से देख के बता सकता हूँ कौन गांजा लेता है, कौन दारू लेता है, कौन स्मैक लेता है, जोशी भी वो पता नहीं मैं 100% प्रेडिक्शन रेट है मेरा। तो कैसे भर्ती हो गए तुम? बस एक ही साल गया था, चार जन तुम ही भर्ती की? लव कुछ तुम ही हो गया? नहीं वो है, किसने भर्ती किया तुम्हें? पप्पू तो मास्टर पाइन है ही है। अगर हाफ रहे हो नहीं जल्दी फोन किया सर। भाषण मत दो ऐसे बोल रहे हो, फिर भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आए हो। लव कहाँ तक पढ़े हो तुम? बारहवीं। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार में। कहाँ के? यहाँ कैसे आ गए? यहाँ रायपुर में। क्या काम करते थे? काम किराया मेरा। कब से? 2 साल। हाँ 2 साल से ये काम कर रहे हो मतलब। ये तो कोई आदमी क्यों आएगा बिहार से यहाँ पे, किराए पे क्यों रहेगा? किराए पे रहेगा तो किराया कहाँ से देगा आदमी? कुछ काम ही नहीं कर रहे हो 2 साल से, मतलब ये यही काम कर रहे हो। अब बदमाश हो तुम लोग, रायपुर वाला गैंग है ना इनका, यही काम कर रहा है शुरू से। जो 2 साल का किराया कैसे पटाते थे? जो काम नहीं था वहाँ सब फैमिली रहते थे, वो फैमिली भी रहते थे। बाकी लोग क्या करते हैं? पापा क्या काम करते हैं? पापा मैकेनिकल काम करते हैं। चलो लवप्रीत सिंह। हाँ लवप्रीत सिंह लव बर्ड। तो ये तुम क्या करने गए थे? मुकेश फोन किया था कि काम है करके करेगा करके, मैं बोला हाँ कर लिया करके, तो बोला कि कुछ नहीं नॉर्मल है बस लिखना रहता है यहाँ पे, पेमेंट आएगी ऐसे करके। तो
मैं बोला ठीक है हो जाएगा भैया, मैंने बोला क्या सैलरी दोगे, तो बोलते 15,000 देंगे, तो मैं बोला ठीक है भैया चल रहा हूँ करके, फिर उनको टिकट बना के भेज दिए दो तीन दिन बाद। परिवार में कौन कौन है? देखो एडिडास का इतना अच्छा पहनते हो, शर्ट और सब चीज, कहाँ 15,000 के चक्कर में ट्रेन में नाम चल जाता है तुम्हारा, बाल भी इतने बड़े बड़े हैं तुम्हारे, लगते हो फंसते हो यार तुम लोग, काम बंद कर दोगे आगे की नहीं करोगे? बंद करना है उनके, इसको पकड़वाना है ठीक है, तो कार्रवाई करूँगा तुम लोगों को। बिहार से हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं पे आए हो, क्या काम से बिहार से क्या काम के लिए आए थे? मैं तो कंपनी में काम करता था, मैंने काम छोड़ दिया, मुझको बोला मैं काम करता है तो भी मेरे जो काम लगा देना, तो बोले ठीक है देखता हूँ कहीं काम अगर मिलता है तो बताऊँगा। फिर वही टिकट का मैं 4 आदमी एक साथ आया, तो मैं तो रोशन एक चार जन एक साथ आए थे। कैसा लगा काम वहाँ पे? सर काम क्या है, तो काम ये सब जानता नहीं था सर, मजदूरी में काम करता हूँ, मजदूरी मिल के काम करते हो, इन्हें काम अच्छा है महादेव ऐप का, हर तरह का आदमी सीख लेता है तुरंत, बिना कोई ट्रेनिंग की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ना कोई इनफील्ड ट्रेनिंग, फिर आप फील्ड में ट्रेनिंग हो जाती है, तो तुम भी क्या तुम तो नाच ही गए थे। देखो वही बता रहा हूँ, देखो ये लोग तो हमारी कॉन्स्टेबल अभी तक कंप्यूटर इस्तेमाल करने में डरती है, और ये लोग देखो तुरंत टाइपिंग, तुरंत विड्रॉल, तुरंत डिपॉजिट, बिना ट्रेनिंग के फिर आते हैं, यही है नौकरी के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। क्यों ये राउटर वाउटर लगाना ऐसा काम कौन करता था? पप्पू का लैपटॉप चलाता होगा, दिलीप तो लैपटॉप चलाने वाले होंगे, कौन कौन है लैपटॉप चलाने वाले? अजय ये हम लोग चिपका है, पहले भी चिपका हुआ था, ऐसा हर लोग चिपका है, पूछ पूछ के चिपकाए होंगे तुम लोग, कितना महंगा महंगा देखो, सलमान सलमान विकास देख ले भाई, इतने लैपटॉप की जरूरत क्यों पड़ती थी वहाँ पे, सब काम चल इतना काम होता है, चार लैपटॉप एक ब्रांच में 4 होगा, दूसरे ब्रांच में 4 होगा, टारगेट तैयार है। तुम मुकेश क्या करता था वहाँ पे रहता था? तो मैनेजर, वो ठीक जानता, कैसा नहीं जानते हो तुम, ये दूसरे जगह क्या है, वो जो 2 ब्रांच चलता था वहाँ मुकेश था, तो क्या करता था मुकेश? मैनेजर, मतलब सब कुछ वही करता, कितना पैसा मिलता है पैनल में काम, मतलब उनको लाने वालों को? हम लोगों को तो 20,000-15,000 शुरुआती, 3,000-20,000 कोई पुराना आदमी मिला है क्या उसमें, जो पहले से काम कर रहा था सैलरी बढ़ गया हो थोड़ा? नहीं लोगों को क्यों रख लेना, भुलाई से कितने लड़के गए तुम्हारे हिसाब से? अब दोस्त वोस्त ही जाते हो सब पता होगा तुम्हारा, अकेले गए, चलो अच्छा जैसा आप लोग विजिट होगा कि टोटल 10वां 11वां 12वां 3 ब्रांच जो है आज दुर्ग पुलिस ने जो है नक्शाबूत किया है, जिसमें इनका PBB नाम से एक जगह पे था और दूसरी जगह महादेव ब्रांच है, बीवी बेटा भाई 09 ब्रांच का, हर ब्रांच का एक कोड रखते हैं, 12 लैपटॉप, 41 मोबाइल, 3 राउटर,
ये दो कैलकुलेटर और चार पांच नोटबुक जो है वो जब्त किया गया है। 30 से ज्यादा बैंक अकाउंट डिटेल्स भी, चेकबुक भी जब्त किए गए हैं, उससे भी पूछताछ की जाएगी तो और खुलासे होंगे। चेकबुक किसकी है सर? चेकबुक भी दिखा देते हैं आपको। ये है विनायक अर्जुन मानकर के नाम से है, उड़ीसा गोंडिया महाराष्ट्र। ये फर्जी नाम से लोग रखते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। विनायक अर्जुन मानकर। किसका है चेकबुक? कहाँ से मिला है सर? वो अकाउंट खुलवा के खुद ही देते थे। खुद ही अकाउंट खुलवा के देते थे। दूसरा एक फेडरल बैंक का है, ये तो खुला ही नहीं है अभी तक। ये भी है आपका सीहोर मध्य प्रदेश का है, सीहोर का है, व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है इसमें। इनसे पूछताछ है, इनके मास्टरमाइंड मुकेश का नाम सामने आया, जितने दूर ब्रांचेज में लोगों को भर्ती करके लेके गए थे। ज्यादातर जो है युवा लोग हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं, उनको ये लोग दाना डालते हैं और फंसा के फिर उनको अपने काम फंसते हैं। कहीं ना कहीं लगातार दुर्ग पुलिस अवेयरनेस फैला रही है कि इनके चंगुल में फंसने की अपना करियर यूथ खराब ना करें। दुर्ग पुलिस लगातार ऑनलाइन सट्टा पे कार्रवाई कर रही है और जैसा मैंने कहा था अगले 6 महीने में इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। जैसे दूसरी तरफ जहाँ ये अकाउंट्स आ रहे हैं उसको फ्रीज करने की कार्रवाई चल रही है और उनकी अकाउंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको डिटेल में जांच चल रही है। आने वाले समय में उससे भी बहुत चौंकाने वाले और बहुत तथ्य, नए तथ्य जो हैं सामने आएंगे। क्या लगता है इसमें हर मामले में जब इस ब्रांच में दबी देते हैं मास्टरमाइंड खराब हो जाता है कहीं ना कहीं? मास्टरमाइंड लोग जो हैं वैसे भी उनकी पकड़ रहती है, उनको पता है कि दूर पुलिस ही कार्रवाई कर रही है तो दूर पे उनकी नज़र रहती है। और लोकेशन को ट्रैक करने के लिए आप आसपास पताशाजी करना पड़ता है, तो आसपास जब पताशाजी करते हैं तो उनको भनक लगते ही वो फरार हो जाते हैं। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इन सभी मास्टरमाइंड्स को जल्द ही पकड़ा जाएगा। सर ये बारवा ब्रांच है, हर बार ये बोला जाता है कि करोड़ों रुपए का लेन देन का मामला सामने आ रहा है, तो इस मामले में कितने रुपए रिकवर पुलिस ग्रुप के द्वारा किया गया अभी तक बारे में कुछ जानकारी? अभी तक 1,34,00,000 का फ्रीज हुआ है और बाकी जो है वो लेन देन है, मतलब लगातार ये डिपॉजिट और विड्रॉल को साथ साथ यूज करते हैं। तो मान लीजिए 4 रुपए डिपॉजिट होता है तो करीब 40 रुपए इनका बचता है, 60 रुपए जो है तो विड्रॉल में व्यक्ति को मिल जाता है, 40 रुपए जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंट में जाता है। कॉर्पोरेट अकाउंट में भी जैसे पैसा जाता है वो तुरंत निकाल लेते हैं, जिससे कि जब आप फ्रीज करोगे होल्ड करोगे होल्ड करने में भी कुछ घंटे लगते हैं, वो रियल टाइम जैसे ही पैसा उस अकाउंट में जाता है उसको तुरंत निकाल लेते हैं। इसीलिए फ्रीज जो हुआ है वो 1,34,00,000 ही हुआ है। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट में कौन निकालता है, कैसे निकालता है, उसकी जांच चल रही है। बाकी एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही हैं, ईडी भी कर रही है, दिल्ली क्राइम ब्रांच कर रही है, मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। तो आने वाले समय में जो इनके कॉर्पोरेट अकाउंट्स को यूज करके पैसे का लाभ उठा रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार अभी पकड़ने वाली पहले कार्रवाई चल रही है। हमारी ज्यादा कोशिश है कि ब्रांचेस को बंद किया जाए, जिससे युवा जो फंस गए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको समझाइश दी जाए, और सेकेंड लेवल पे जो इस सब पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। सर इन लोगों को सैलरी कैश दिया जाता है कि डिजिटल होता है? तो कैश ही होगा। कैसे सैलरी मिलता है भाई? फोन पे आ जाता है, डिजिटल आता है, यही पैसा आता है, वही जो किसी से कुछ उधर शिफ्ट होता होगा। अभी तक कितने लोग पकड़ा रहे हैं साहब टोटल? तो डेटा तो ग्रुप पे डाला गया है, टोटल 70 के करीब लोग पकड़ाए हैं। सर पैसे कितने जब्त हुए? पता है 1,34,00,000 नहीं, सब मिलाकर महादेव का अभी तक 1,34,00,000 ही होल्ड हो पाया है, लेकिन सारे डिटेल्स की अभी सारे अकाउंट्स की डिटेल्स अभी नहीं आए, अभी बैंक भी देने में समय लगाती है, जैसे जैसे आएगा उसको अपलोड किया जाएगा। ये लगातार जमीन कारोबारी, ज्वेलरी कारोबारी और कई नेता पार्षद लोगों का नाम आ रहा है डायरी में, क्या किस किस का नाम सर है, उसको खुलासा कब करेंगे? नहीं नहीं, डायरी में ये नाम लिखते ही नहीं है, बहुत ये ज्यादातर तो अकाउंट्स पे खेल होता है। जब हम आउटगोइंग अकाउंट्स को पकड़ेंगे तभी मालूम चलेगा कि आउटगोइंग अकाउंट्स कहाँ जा रहा है। दूसरी बात है कि जो 8% कमीशन, 10% 12% कमीशन पे जो इनका वो पैनल चलाता है वो आदमी कमीशन लेता है, तो कहीं ना कहीं
जो बंदा पैनल वाला कमीशन से पैसा बनाता है वो फिर कहीं इन्वेस्ट करता होगा, तो जब वो पैनल वालों को घेर दे के पकड़ाएंगे तो आगे जो है कड़ी आगे बढ़ेगी। सर ये तीनों ब्रांच भोपाल के दो कॉलोनी में, हाँ एक जगह पे दो ब्रांच पकड़ रहा है, एक जगह पर एक ब्रांच। सौरभ चंद्राकर उसका ग्रुप और सतनाम के अलावा एक नाम सुनील राव का बहुत आ रहा है तेजी से, वो क्या है सर? भाई वो तो यहाँ से आ रहा है वही लोग बता पाएंगे, हम तो लगातार आपके हवाले से ही भाई मीडिया लिख रही है इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ नहीं तो हमारा नाम आ रहा है, देखो हमारा जो लोग पकड़ाते हैं भिलाई का नाम है, भिलाई का ही बनता है ना, जो आते हैं आपके सामने हैं, बिल्कुल जो सामने आते हैं हम पूछताछ करते हैं। पुलिस एक एजेंसी है जी। हम हियर से एविडेंस पे अपनी बात नहीं रख सकते जी। जी। जो आदमी जो अपनी कल जो पैनल पकड़ाया उसने सौरभ चंद्राकर का नाम लिया जी। तो जैसे जैसे नए नाम आएंगे फ्लोट होंगे, जैसे मुकेश चलाता था मुकेश को पकड़ा जाएगा, मुकेश कुछ और नाम बताएगा तो वो चीजें आगे बढ़ेंगी। हमारी कोशिश है कि काफी बार क्या हो रहा है कि पैनल चलाने वाले भाग जा रहे हैं, बिलासपुर में भी यही हुआ, पांच लोग पकड़ रहे पैनल चलाने वाला भाग गया, यहाँ भी यही चीज हुआ। पैनल चलाने वालों को हम पकड़ेंगे तो वो थोड़ा ऊपर की चीज बताएगा, जैसे कल पैनल चलाने वाले को पकड़ा गया गुप्ता को तो उसने बताया, तो जो लोग इस तरह का आप नाम बता रहे हो उसकी तस्दीक की जाएगी कि वो कहाँ रखा होगा, लोकेशन पिछले छह महीने में कहाँ था क्या था, जो नाम बता रहे हैं उनको चेक कराने की टेंशन, उनकी लोकेशन छह महीने में यदि वो संदेहास्पद लोकेशन कहीं पे आती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर ध्रुव जिले में कितने ब्रांच चल रहे हैं? देश भर में 150 से 200 ब्रांच चलने की बात दुर्ग जिले के अंदर, दुर्ग जिले के अंदर तो हमारे पास सूचना नहीं है, होती तो पकड़ लेते हैं अभी, क्योंकि हम इतना दूर क्यों जाते हैं, भोपाल जाना पड़ रहा है, सिवनी जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, और किसी के पास अगर जानकारी है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 7898185399 पे भेज सकते हैं, पुलिस को सहूलियत होगी, यही रेट की कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ दुर्ग जिला पुलिस ही पकड़ रहे हैं कि सर ये सारे जगह से इनको पकड़ रहे हैं? भाई हम तो अपनी गारंटी दे सकते हैं, बाकी भी कोशिश तो कर ही रहे होंगे। तेलंगाना में भी पकड़ा है 3 करोड़ रुपए, वही बता रहा सब लगे हैं, और 15 लोग से 3 करोड़ जब्ती हुआ है भाई, वहाँ पैसा ही बहुत है ना, हैदराबाद से लेके आए उन लोग, तो हैदराबाद है ना वो भाई, ये तेज है, ये लोग पैसा आता है उसको अकाउंट पे अकाउंट करते हैं, कैश पे ट्रांजेक्ट ही नहीं करते ये लोग, यहाँ पे कैश होगा सर बड़ा है बेटा, अमाउंट कैसे निकालते हैं लोग? अरे भाई कॉर्पोरेट अकाउंट में गया, कॉर्पोरेट अकाउंट किसी शेल कंपनी का है, उसमें खर्चा दिखा के निकाल लिए तुरंत। आपके आपके अकाउंट में पैसा है, कितना टाइम लगेगा आपको निकालने में बताओ? आजकल इंटरनेट के बैंकिंग के जमाने में 10 सेकंड में निकाल मध्य प्रदेश के भोपाल से आज 3 ब्रांच को महादेव ऐप के बस्ट किया गया है, जिससे टोटल 18 व्यक्ति पकड़ाए हैं, 12 लैपटॉप 41 मोबाइल 50 से ज़्यादा बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले हैं। ये ज़्यादातर पकड़ाने वाले लोग युवक थे जो कि 18 साल से 25-30 साल के बीच के हैं, 2 इसके मास्टरमाइंड थे, एक का नाम मुकेश देशमुख के नाम से आ रहा है और दूसरा जो है वो 2 मास्टरमाइंड्स का नाम मालूम चल रहा है, पुलिस उस पर पतासाजी कर रही है, इनके पास से काफ़ी डिटेल्स भी आए हैं,
उससे आगे एक पूछताछ की जाए। सर फिलहाल वर्तमान में 12वां ब्रांच को भ्रष्ट किया गया, अब तक कुल कितने सटोरिया गिरफ्तार हुए और कितनी राशि फ्रीज की गई? 71 सटोरिया अभी पकड़े जा चुके हैं और उनके पास से 1,34,00,000 रुपए जो है फ्रीज कर लिया गया है। बाकी अभी काफी अकाउंट पर डिटेल्स नहीं आए, डिटेल्स आने पे अकाउंट और बढ़ सकते हैं। सर जो लेन देन के जो आपके पास में रजिस्टर मिलते हैं, जो नोटबुक मिलते हैं, उसमें किस बात का खुलासा हो पाता है? उसमें जिन कॉर्पोरेट अकाउंट में पैसे गए हैं उसके डिटेल्स आए हैं, उसकी KYC डिटेल्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि करीब 500 से ज्यादा आउटगोइंग कॉर्पोरेट अकाउंट मिले हैं, तो एक एक की छानबीन की जा रही है। आने वाले समय में उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।